साथियों, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का राज है और उन्होंने क्या पाप किया है आप हैरान हो जाओगे। मुझे बताइए कि आपके गांव में कोई आकर के कह दे कि भाई इस गांव में सारे के सारे लोग अब ये नहीं ये हो गए तो आपको मंजूर होगा क्या? कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया, यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैरकानूनी तरीके से बना दिया था, संविधान के विपरीत बना दिया था, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। आप सबको मालूम है जब देश का संविधान बना, महीनों तक माथापच्ची हुई, चर्चाएं हुई, देश के गणमान्य लोगों ने चर्चाएं की, बाबा साहब आंबेडकर में उन चर्चाओं के आधार पर संविधान को लिखा गया और सबने सोच समझ करके तय किया कि देश की एकता अखंडता के लिए देश का संविधान किसी भी सूरत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की, पिछले दरवाजे से किया, खुद बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया। लेकिन वोट बैंक और तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस कर्नाटक का यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है।